एंड जय श्री राम दोस्तों, आप हैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम लाइफ पे और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ट्रैक टू बाइट धर फ्रॉम मैन बी वाटरफॉल का पार्ट टू। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पहुंचे हैं एन बी वाटरफॉल से बाड़ी धार तक ट्रैक करते हुए। काफ़ी सुंदर ये ट्रैक रहा, बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य रास्ते में देखने को मिले और सुंदर सुंदर पहाड़ियों का लुत्फ उठाया हम लोगों ने। रास्ते में कुछ और पथिक भी मिले और जब हम पहुँचे दुदल की पोखर हमने मत्था भी टेका और लंगर भी छका। मैडम को काफ़ी लजीज लगा और लंगर छकने के बाद हम लोगों ने वापस से ट्रैक जो है स्टार्ट करा दुदल की पोखर से आगे बाड़ी धार तक। ये भी रास्ता मैडम के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था लेकिन जैसे तैसे करके हम पहुंचे यहाँ पे। काफ़ी लोगों ने कैंपिंग भी करी थी रात भर और अभी हम पहुंच चुके हैं बाड़ी धार। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में इससे आगे का विवरण। और मैडम का चेहरा खिलता हुआ, फाइनली पहुँच ही गई। अब आपका मन नहीं करेगा बैठने का? हाँ, स्नोफॉल जब तो बहुत सुंदर लगता है ना। जब कैंपिंग का टाइम है बिल्कुल खाली हो, खाली होता है इधर सब कुछ ना, तो कैंपिंग के टाइम में कितना मजा आता है यहाँ पर टेंट वगैरह लगाने का। अभी मेला भरा नहीं, मेला भरेगा 1-1.5 बजे, 1.5-2 बजे के आसपास ना, जब पूजा आती है, पूजा आती है तब भरता है। दोस्तों ये पूरा मेला घूमते घूमते चलो थोड़ा जानते हैं बाड़ी धार के बारे में कि ये मेला कब होता है। अमूमन यह मेला 14 या 15 जून के आसपास होता है। लोग काफ़ी दूर दूर से इस बाड़ी धार की पहाड़ी पे आते हैं। लोगों की काफ़ी श्रद्धा है पांडवों के देवताओं के प्रति। यूं तो हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, जगह जगह पे देवताओं की पूजा करी जाती है, लेकिन यहाँ से एक अलग ही लोगों की जो आस्था है वो जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर 2 बार विचरण करा था। एक बार तो वो लोग अज्ञातवास में आए थे और बाद में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, महाभारत जब हुआ, उसके बाद जब पांडव अपने राज्य का परित्याग करके हिमालय की ओर निकले, उस समय भी वो लोग यहाँ पहुँचे। किसी ने उन्हें बताया, किसी ने क्या, शायद यह कहा जाता है कि नारद जी ने उन्हें यह बताया था कि आपको जो शिव जी भगवान हैं वो यहाँ मिलेंगे। और पांडव कम से कम 8 दिनों तक इस पहाड़ी के इर्द गिर्द घूमते रहे और 9वें दिन जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो उन्हें यहाँ पे शिव जी भगवान की जश्न धुनी ही मिली और उन्हें शिव जी भगवान यहाँ पे ना मिले। उसके बाद पांडवों ने यहाँ पे शिव जी भगवान जी का जो टेंपल है वो बनाने का निश्चय करा और उसके बाद ही वो लोग यहाँ से आगे बढ़े। जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की इस स्थान के प्रति आस्था और ज़्यादा बढ़ती गई। दोस्तों मेले वाले दिन यहाँ पे सभी पांडवों की पूजा करी जाती है जिनमें कि बाड़ादेव प्रमुख हैं। बाड़ादेव जो कि युधिष्ठिर महाराज को कहा जाता है, इस दिन यहाँ पे 5 पांडवों की पूजा करी जाती है। मेले वाले दिन 3 पूजा आती है यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि पांडव तो 5 थे, 2 जो पूज होती है वो मेले से एक दिन पहले रात्रि में ही यहाँ पहुँच जाती हैं और 3 पूज मेले वाले दिन यहाँ पे पहुँचती हैं। पूज से हमारा अभिप्राय पूजा से या फिर जो पांडवों की मूर्तियाँ होती हैं वो लाई जाती हैं पालकी में और लोग जो हैं श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन करते हैं, छत्र चढ़ाते हैं, जो भी जिनकी मन्नत होती है, मन्नत मांगते हैं, किसी की मनोकामना पूरी हुई होती है तो उसी हिसाब से जो चढ़ावा है वो चढ़ाते हैं। दोस्तों मेले वाले दिन पांडवों का मिलन देखना बहुत ही मनमोहक होता है। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं पांडवों का मिलन देखने के लिए।
ऐसा माना जाता है इस पहाड़ी के दूसरी तरफ भूत प्रेतों का साम्राज्य हुआ करता था, जहाँ पे कि नर बलि देने की प्रथा थी, जो कि समय बीतने के साथ साथ पशु बलि में तब्दील हो गई। इस बात से जुड़ी एक कहानी भी काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर। ऐसा मानते हैं कि जो भी मेले वाले दिन जो पशुओं की बलि दी जाती थी, उसका भक्षण करने के लिए राक्षस रात को आते थे और तांडव करते थे। एक बार कोई इंसान रात्रि में वहाँ पर रुका यह देखने के लिए कि क्या होता है रात को, मैं भी देखना चाहता हूँ। वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और रात्रि होने का वेट जो है करने लगा। जैसे ही समय बीता, रात्रि हुई, वहाँ पे जो उसने दृश्य देखे उसे बहुत डर लगने लगा। भूतों ने वहाँ पे तांडव करना शुरू करा और जो बलियाँ दी गई थी उनका भक्षण करना उन्होंने शुरू करा। ऐसा मानते हैं कि वह इतना डर चुका था कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पेड़ से चिपक कर पड़ादेव महाराज से प्रार्थना करी कि उसे उस विपत्ति से बचाए। उसके कुछ समय पश्चात ऐसा मानते हैं कि जब उसने आंखें खोली तो उसके आंखें खोलने पर जो वृक्ष है वो वहाँ से उखड़ कर देवथल नामक स्थान पर स्थापित हो चुका था, जहाँ पे कि यह वृक्ष आज भी है। और उसके पश्चात से आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे यह स्थान और ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, यहाँ की जो हरियाली है वो देखते ही बनती है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। इस स्थान से कहा जाता है कि अंग्रेज भी काफ़ी प्रभावित हो चुके थे। वो लोग इस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना चाहते थे, क्योंकि यह जो स्थान था यह शिमला से भी कुछ थोड़ा ऊंचा माना जाता था। तो अंग्रेज जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कोशिश करी कि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाए। पहले जब वो सर्वे करने यहाँ पे पहुँचे तो ऐसा मानते हैं कि उनके ऊपर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया और काफ़ी अंग्रेज़ों को नुकसान पहुँचाया। उसके बाद से वो लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। अंग्रेज यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक दिन भी यहाँ पे नहीं रुक पाए और उसके बाद शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो दोस्तों, ये तो थी बाड़ीधार से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अभी मेला घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए हैं शिव टेंपल। मंदिर में शिव जी भगवान जी के दर्शन भी कर लेते हैं और पांडवों के भी कर लेते हैं दर्शन, उसके बाद मेला घूमते हैं। और बीवी को डर है कि जूते को चोरी ना कर ले, उधर रखे हैं। चलो, शिवजी भगवान और बुढ़देव माता के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं बड़ादेव महाराज जी के टेंपल में, जो कि काफ़ी भव्य बन रहा है। काफ़ी सुंदर ये मंदिर।
और ये बड़ा देव महाराज की पालकी या पूज, जिसका जिक्र हमने शुरू में करा था कि यहाँ पे पांडवों का मिलन होता है, ये बाड़ेश्वर महाराज जी। और इन भाइयों को लग रहा था कि मैं लाइव जो वीडियो है लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ यहाँ की, जबकि ऐसा नहीं था। चांदी की होने के बावजूद भी मैडम को मेले से लेनी है, हद है मतलब। रीजन क्या बताते हैं कि लोग मेले में बेचने के लिए आए होते हैं और उनकी कुछ बिक्री होनी चाहिए, हद है मतलब। और ये कैसी है पैकेट वाली? ये बच्चे वाले।
और ये आगमन होता हुआ एक और पूज का। मेला एंजॉय करके हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। टाइम 4:35। वैसे तो काफी क्लीग्स हैं जो कि कह रहे थे साथ में चलने के लिए, लेकिन पैदल आए हैं, पैदल ही वापस जाने का मजा है। लेट्स सी मैम कहाँ पे आ सकती हैं। अब जाते टाइम, आते टाइम तो काफी हिम्मत दिखाई उन्होंने और पहुंच गए। अब देखते हैं, छुप गए थे। अभी 5:07 हुए हैं शाम के और हम लोग वापिस चले हैं दुदल की पुखरों से। फिर मैडम एंजॉय करा। शॉपिंग कितनी करी? ये कुछ भी नहीं, नहीं। अपने लिए नहीं करी। ओके टांगे सुबह का जवाब दे जाएंगी। मेरी भी और आपकी भी। कैसा लग रहा, क्या दिक्कत आ रही है? जी हाँ, ढलान काफी ज्यादा है। सो जो टोज होते हैं, टोज में काफी दिक्कत हो जाती है, इवन फिंगर्स के साइड में भी। हाँ, नेल्स में भी, पैरों में काफी पेन महसूस होती है जब भी आप ढलान में उतरते हो। थोड़ी देर पहले मैम को पूछा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इनका जवाब था सांस तो फूल नहीं रही, पैरों में दर्द हो रहा है, चल पड़ो। ढलान में किस किस सांस फूलती है। और मैम भालो छे छे बज चुके हैं और जिंदगी में पहली बार इतना सफर किया। हम लोग मढेरना पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में, द्वारी मढेरना।
काफी अच्छा ट्रैक रहा है ये अभी तक। हाँ सुबह तो पाओ थकेंगे ही थकेंगे। क्या हुआ? आराम से। गौर से देखो इस चेहरे को, ये बाड़ी धर चढ़ के आया है। अभी हंस भले ही रहा है लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन क्या हालत होती है मुझे ही पता है। आराम से आना। नहीं गुड सही है। मैडम इतना स्लो चले लेकिन उसके बावजूद भी हम 6 बजे पहुंच गए, 6:27 हो गए हैं, पहुंच गए हम डेरना। वो ऊपर लास्ट इससे, हाँ वो सिद्धू दुर्ग पोखर ना, उससे और ऊपर गए थे हम लोग फिर। हाँ फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घाटी पे और एनबी वाटरफॉल के नजदीक हम लोग एनबी वाटरफॉल पहुंचने ही वाले हैं। मैडम ने टाइम बहुत लगा दिया, 7 बजने को हुए हैं। फोटोग्राफी करने में लगा। आपने भी बहुत रश करा रास्ते में। आपने फोटो खींचे 2 घंटा दोस्तों। ये सफर टफ जरूर था लेकिन सफर पे अगर हम सफर साथ हो तो सफर सफर नहीं जन्नत बन जाता है। और ये लो जी हम पहुंच गए एनबी वाटरफॉल। 7 बजे हैं, 7:08 हुए हैं और कदम जो हैं आपके फुटस्टेप बन चुके हैं 28,765 टोटल जाना आना 28,765 फुटस्टेप। और ये 7:21 पर, 7:21 पर हम फिर से पहुंच गए गेट के पास। आया मुझे फिर और दे भी एंजॉय करा। बिहाइंड द स्क्रीन असली पता कितने लाइव में कभी नहीं जन्नत है। ओह माय गॉड, तो देखा ना मैं कितना झूठ बोल बोल के तुम्हें वहां पहुंचा दिया।
दोस्तों काफ़ी अच्छा ये ट्रैक था, काफ़ी मज़ा आया, इंजॉय काफ़ी ज़्यादा करा हम लोगों ने। काफ़ी क्राउडेड था क्योंकि मेला था आज, अदर्स डे पे इतना क्राउडेड नहीं होता। मैडम लाइफ में पहली बार इतना चली होंगी, इतना झूठ बोल बोल के इनको ऊपर पहुंचाया कि बस पहुंच गया। लेकिन कुछ झूठ अगर कुछ अच्छे के लिए बोले जाएं तो वो अच्छे होते हैं। मजा भी बहुत आया जी, और काफ़ी जलेबी खाई, पकौड़े खाए, क्या क्या था, आइसक्रीम थी, भेलपूरी हमने खाई, चना समोसा हमने खाया, और पापड़ी खाई, गोलगप्पे हो गए, और बस यही सब चीज़ें थी। तो काफ़ी इंजॉय करा, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा दिया मैडम ने, अमूमन इतना टाइम नहीं लगता अगर चलने वाले जस्ट लड़के हों साथ में, और उन्होंने ज़्यादा ट्रैक कर रखा हो पहले, अगर ट्रैक पहले ना करा हो, और गर्ल्स के साथ आप लोग समझ सकते हो कि थोड़ा सा तो रहता ही है चलने में, बट ट्रैक करने में, ट्रैकिंग में जब जाते हो उस टाइम पे 2.5 घंटे मान लीजिए, मैक्सिमम 2.5 घंटे, और आने में भी इन्होंने 2 घंटे के आसपास लगा ही दिए, नॉर्मली 45 मिनट 50 मिनट इतने में इंसान पहुंच सकता है क्योंकि ढलान है नीचे को। लेकिन वही जो रेगुलर चलते हैं, रेगुलर ट्रैक करते हैं, आम इंसान के लिए या जो प्लेन इलाके से लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल। तो अगर कोई ट्रैक करना चाहे, वहाँ का ग्रुप हो, इंडिविजुअल या दो के लिए तो मुश्किल हो जाएगा, हमें भी टाइम निकालना, बट कोई ग्रुप हो तो बात कर सकते हो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम के NV वाटरफॉल पे। हाँ मेरे से। तो दोस्तों मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, किसी और नए ट्रैक के साथ या किसी और ट्रैवल वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत देव महाराज।